गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है वो है इथर चैनल। इथर चैनल क्या होता है? तो सबसे पहले मैं इसको एक ग्राफिकल मैं आपको समझाता हूँ कि इथर चैनल क्या होता है। मान लेते हैं कि मैं कोई कंपनी में काम करता हूँ और ये मेरा एक स्विच है और ये स्विच के बीच में मैंने कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कि यहाँ पर कंप्यूटर लिया है और यहाँ पर मैंने कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं। ये सभी हमारे स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। इनका आईपी है 10.10.1 और इसका आईपी है 10.10.2 और इसका आईपी है 10.10.3। तो ये भी कंप्यूटर हमारे स्विच के साथ कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ पे भी हमने कंप्यूटर कनेक्ट किया जिसका आईपी मैंने 10.10.4 लिया है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो स्विच है वो हमारे एक स्विच के साथ कनेक्टेड है और वैसे ही इसका एक पोर्ट जो है वो मैंने यहाँ पे ये स्विच को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। मतलब मैंने यहाँ पे दो दो लिंक मैंने यहाँ पे दो स्विच के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओके, दो चार आप छः ले सकते हो। तो यहाँ पे दो एक फिजिकल लिंक आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है दो स्विच के बीच में। अब होता क्या है कि यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल क्या करेगा, तो दोनों में से कोई एक लिंक को डाउन कर देगा, मतलब इसको ब्लॉक कर देगा। ओके, और यहाँ पे आपके ये दो कनेक्शन जो है, जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लाइन वन है और लाइन टू है, तो ये दोनों हमारे कनेक्शन है, फिजिकल कनेक्शन है। तो उसमें सपोज के एक लाइन जो वन है जिसके अंदर आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलता है सपोज के 1 Gbps का, और दूसरा जो लाइन है लाइन टू जिसके अंदर आपको 2 Gbps का डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलता है। अब यहाँ पे सपोज के ये पूरा ट्रैफिक जो है वो पूरा ट्रैफिक यहाँ पे 1 Gbps से ये पूरा ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है। ओके, ये डिपार्टमेंट में, और वैसे यहाँ पे भी ये पूरा ट्रैफिक 1 Gbps से ये नेटवर्क में, ये नेटवर्क में जा रहा है। अब यहाँ पे मान लो कि ये फिजिकल लिंक डाउन होती है तो मे बी आपका पूरा एंटायर नेटवर्क डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो फिजिकल जो लिंक है उसको हम क्या कर देते हैं ग्रुप में, मतलब एक लॉजिकल लिंक बना देते हैं ग्रुप के अंदर और उसका नाम हम देते हैं इथर चैनल। इथर चैनल कंफिगर करने से क्या होगा कि आपका जो एक 1 Gbps का जो लिंक था और दूसरा लिंक आपका सपोज कि 2 Gbps का था, जो 2 Gbps का था, तो ये दोनों को हमने लॉजिकली क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, इथर चैनल में कन्फिगर कर दिया। तो ये टोटल 3 Gbps का एक नेटवर्क हो जाएगा, पहला बेनिफिट ये होता है। दूसरा, यहाँ पे अगर दो फिजिकल नेटवर्क को आपने एक लॉजिकली लिंक बना दिया, इथर चैनल के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया, तो क्या होगा कि अगर कोई एक लिंक डाउन होती है तो एंटायर नेटवर्क आपका इफेक्ट नहीं होगा, आपका पूरा ट्रैफिक दूसरे जो लिंक है उससे पूरा ट्रैफिक कैरी होगा। मतलब लिंक वन, अगर लाइन वन अगर डैमेज होती है तो दूसरे लाइन से आपका डेटा जाएगा, एंड लाइन टू अगर डैमेज होती है या फिर लिंक डाउन होती है तो लिंक वन से डेटा आपका जाएगा। तो इस तरह से दो फिजिकल लिंक को हमने एक लॉजिकली लिंक बना दिया और उसको हम बोलते हैं इथर चैनल। तो ये लॉजिकली लिंक बनाने से क्या होता है कि हमको फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है। मतलब कोई एक लिंक डाउन होती है तो हमारा नेटवर्क पहले डाउन होता था बट अभी नहीं होगा। दूसरा, हमको मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलती है, मतलब हमारा नेटवर्क जो होता है वो फास्ट हो गया। तीसरा, यहाँ पे कोई ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं होगा। तो HTTP बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि अगर आपने दो स्विच को कनेक्ट किया है तो HTTP बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इसको ब्लॉक कर लेता है कोई एक पोर्ट को, बट यहाँ पे ब्लॉकिंग नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं हमारे पैकेट ट्रेसर पे, और यहाँ पे मैं स्विच लेता हूँ और ये दो स्विच को मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ दो सिस्टम के साथ। और यहाँ पे हम ये जो कंप्यूटर है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ फास्ट इथरनेट वन से, और ये कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं फास्ट इथरनेट वन से। अब इसके बीच में मैं दो लिंक या चार लिंक मैं कन्फिगर कर लेता हूँ। दो लिंक चलो मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये दोनों आपस में फास्ट इथरनेट 0/2 से फास्ट इथरनेट 0/2 और फास्ट इथरनेट 0/3 से फास्ट इथरनेट 3 से कनेक्टेड है। अभी चलो मैं कंप्यूटर को आईपी देता हूँ फटाफट। तो ये कंप्यूटर का आईपी मैं देता हूँ 10.10.1, और गेटवे नहीं आएगा क्योंकि गेटवे के लिए राउटर होना चाहिए, राउटर मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। इसका मैं आईपी देता हूँ 10.10.2। ओके, अब होता क्या है कि मैं यहाँ पे दोनों के दो स्विच के अंदर मैं यहाँ पे इथर चैनल कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्ट आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो फास्ट इथरनेट 0/1। ओके, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाना पड़ेगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट,
0/2 से 0/3 इसको हम क्या करना चाहते हैं, ईथर पोर्ट के अंदर, ईथर चैनल के अंदर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे रेंज टाइप करना पड़ेगा। रेंज मतलब ये पोर्ट की रेंज हम डालते हैं, कौन सा पोर्ट है, फास्ट इथरनेट 0/2, 0/2 से हम हाईपन करेंगे, कब तक करना है, तो सॉरी फास्ट इथरनेट 0/2 से आप हाईपन करोगे और कहाँ तक करना है, तो 0/3, राइट। तो ये दो पोर्ट को मैं ईथर चैनल के अंदर कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे फास्ट इथरनेट लिखना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/3 मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो ये रेंज में कॉन्फ़िगर हो गया। अब यहाँ पे जब ईथर चैनल जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो उसके अंदर एक प्रोटोकॉल्स होता है, LCP और PAGP, तो ये दो प्रोटोकॉल है जो ईथर चैनल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम यहाँ पे जस्ट ईथर चैनल यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पोर्ट कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो चैनल सबसे पहले हम चैनल प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे, चैनल हाइपन प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो PAGP, तो PAGP पोर्ट एग्रेशन ग्रुप प्रोटोकॉल होता है ये। ओके, तो पोर्ट एग्रेशन प्रोटोकॉल हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं और एंटर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम चैनल जो बना रहे हैं तो ये चैनल का एक नाम देते हैं, मतलब ये चैनल जो बनेगा। ओके, तो ये चैनल को हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसको एक लिंक आइडेंटिफाई, एक लिंक हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके सॉरी, चैनल हाइपन ग्रुप, ग्रुप टाइप करते हैं, मैं ग्रुप का एक नाम देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने दो पोर्ट लिए हैं तो एक ग्रुप यहाँ पे बनेगा, तो ग्रुप मैं 1 टाइप करता हूँ। उसका मोड हम कैसे रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे तो एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल, ऑन और पैसिव। अगर आपने एक्टिव किया तो ये एक्टिव हो जाएगा जिसके अंदर LACP प्रोटोकॉल रन हो जाएगा। ओके, अगर आपने यहाँ पे ऑटो किया तो ऑटोमेटिक ये पोर्ट एग्रेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे डिजायरेबल किया है तो क्या होगा कि ये प्रोटोकॉल आपका AGP प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगा, पर ये डिजायरेबल कंडीशन में काम करेगा। ऑन करोगे तो ये PAGP पोर्ट आपका जो ईथर चैनल है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और पैसिव पे क्लिक करोगे, पैसिव कॉन्फ़िगर करोगे तो LCP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा, बट LCP इज डिवाइस डिटेक्ट, मतलब LCP अगर डिवाइस LACP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है तो वो डिटेक्ट करेगा। तो भाई मैं यहाँ पे इसको डिजायरेबल मोड में इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, एंटर। तो आप देख सकते हो पोर्ट डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों पोर्ट यहाँ पे डाउन हुए। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे किया वो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो सेम थिंग्स मुझे यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/2 एंड फास्ट इथरनेट 0/3 ये दोनों को मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो चले जाते हैं CLI मोड पे, और CLI मोड पे इनेबल मोड पे जाके आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 है, तो फास्ट इथरनेट 0/2 से लेके सबसे पहले कमांड यहाँ पे टाइप करना भूल गया, रेंज फास्ट इथरनेट 0/2 से लेके हाइपन आप करोगे यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/3 आप यहाँ पे टाइप करोगे। ओके, आप देख सकते हो 0/3 है, आप देख सकते हो 0/3 है, तो मैं एंटर करता हूँ और सेम टू सेम जो आपने कमांड दिया है चैनल ग्रुप, ओके चैनल प्रोटोकॉल पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे, हाइपन प्रोटोकॉल साथ में तो मैंने PAGP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, तो PAGP ओके एंटर। इसके बाद आप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के बाद आप ग्रुप टाइप करोगे, ग्रुप मैंने सामने वाले स्विच में 1 दिया है तो यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा। मोड हमने वहाँ पे कौन सा सिलेक्ट किया है, डिजायरेबल, तो यहाँ पे भी आपको डिजायरेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दिया। जब आप यहाँ पे देखोगे तो देखो दोनों पोर्ट यहाँ पे रेड हो गए हैं। ओके, और मैं जब फास्ट कन्वर्जन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि जब HTTP पहले क्या था कि HTTP के द्वारा दो स्विच में से कोई एक पोर्ट को ब्लॉकिंग किया जाता था, बट आप देख सकते हो कि अभी देखो इसके भी दोनों पोर्ट क्या हो गए, ग्रीन हो गए हैं, और इसके भी दोनों पोर्ट क्या हो गए हैं, ग्रीन हो गए हैं। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे ये ईथर चैनल कॉन्फ़िगर हो गया है। ओके, ये दोनों फिजिकल लिंक जो है वो एक लॉजिकली लिंक की तरह काम करेगी। ओके, कोई एक लिंक डाउन होती है तो दूसरे लिंक से पूरे डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क को हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये था एक ईथर चैनल। ओके, तो प्रैक्टिकल हमारा यहाँ पे हमने परफॉर्म किया कि हाउ टू कॉन्फ़िगर ईथर चैनल।
इन स्विच। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे पूरा होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ, मैं दोनों के बीच में पिंग करके दिखाता हूँ। तो मेरा 10.10.1 है और ये 10.10.2 कंप्यूटर है, तो चलो पिंग कर लें ताकि पता चले कि पिंग आ रहा है। तो यस, दोनों के बीच में पिंग एक्सेस हो रहा है। ओके, क्या इथर चैनल यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है? तो आप यहाँ पे इसके प्रिविलेज मोड पे जाके जब चेक करते हो शो इथर चैनल, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इथर चैनल समरी करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से पोर्ट पे आपने इसको सेलेक्ट किया है, पोर्ट एग्रेशन फास्ट इथरनेट 2 से लेके 3। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रुप 1 हमने नाम दिया है पोर्ट चैनल्स। ओके, पोर्ट चैनल यहाँ पे बता रहा है और कौन सा प्रोटोकॉल आपने यूज़ किया है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी ये स्विच के अंदर भी देख सकते हो। ओके, कि कौन सा प्रोटोकॉल्स और कौन सा हमने सेलेक्ट किया है। तो शो इथर चैनल ग्रुप, हम यहाँ पे समरी कर लेते हैं ताकि देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही पोर्ट है, वही प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इथर चैनल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको LACP और PGP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। PGP प्रोटोकॉल या फिर इथर चैनल कॉन्फ़िगर करने से आपका जो स्विच पहले ब्लॉकिंग में कब कोई पोर्ट को ब्लॉकिंग में डालता था वो नहीं होगा, दोनों साइड पे दोनों लिंक अप हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, ये हो गया हमारा इथर चैनल। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।